तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के लिए रेडमी के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनकी जो प्राइस कट लिस्ट है वो फ्लिपकार्ट पे आज यहाँ पर रिवील हो गई है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रेडमी के कौन से स्मार्टफोन में आपको कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट की सेल में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में, तो रेडमी ने फाइनली अभी भी अपने स्मार्टफोन की जो प्राइजेस है वो रिवील कर दी है। अब यहाँ पर रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो हालांकि रेडमी के लगभग स्मार्टफोन यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करा दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो सबसे पहला स्मार्टफोन यहां पर है Redmi 9i Sport। ये जो स्मार्टफोन है वो 6999 रुपए की प्राइस पॉइंट से स्टार्ट है कार्ड के साथ में, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अगला स्मार्टफोन यहां पर Redmi 11 SE स्मार्टफोन है, जो कि Redmi Note 10 S स्मार्टफोन का आप कह सकते हैं कि रीब्रांडेड वर्जन है। तो Redmi Note 11 SE जो स्मार्टफोन है इस पे आपको 5750 रुपए का मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड कैमरा और 4G प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक का। तो अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन लेना है तो आप Redmi Note 10 SE स्मार्टफोन साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन पूरे ऑफर वगैरह के साथ में आपको 11,249 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है, तो 5,750 रुपए का डायरेक्टली डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आप इस स्मार्टफोन को जाकर के ले सकते हैं। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi 11i Hypercharge। Xiaomi 11i सीरीज के स्मार्टफोन पे आपको कुछ यहां पर 11,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। Xiaomi 11i Hypercharge जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने को मिल रहा है 19,999 रुपए का फ्लिपकार्ट पे, और वहीं पर Xiaomi 11i जो स्मार्टफोन है वो आपको 18,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा, और ये जो प्राइस है वो कार्ड की भी प्राइस को इंक्लूड करके है। तो 11,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट Redmi प्रोवाइड कर रही है अपने Xiaomi 11i सीरीज पे, आप इस स्मार्टफोन को चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्मार्टफोन है Redmi 10 Prime। ये स्मार्टफोन 12,149 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से भी इस स्मार्टफोन को लेने का कोई मतलब नहीं है। अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 10T 5G। ये स्मार्टफोन 11,699 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, तो अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन लेना है सस्ते में तो आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये कुछ स्मार्टफोन है जो Redmi ने फिलहाल आज यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया है उनके अपकमिंग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा भाई Redmi Note सीरीज के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 11 हो गया, Redmi Note 11 Pro, Pro Plus, ये स्मार्टफोन इस सेल में क्यों नहीं लिस्टेड है? तो ये स्मार्टफोन इस सेल में लिस्ट नहीं होने वाले हैं। ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे Amazon पे। ये स्मार्टफोन Amazon एक्सक्लूसिव है, वहीं पे ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको Amazon पे जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन के बारे में? आपको इसमें से कौन सा स्मार्टफोन काफी बेहतर लगा? आप किस स्मार्टफोन के साथ में जाना पसंद करेंगे? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।